कहाँ जा रहे हो? एग्जाम को याद नहीं करा क्या? अरे मैडम जी, मैं जिसके भरोसे आया वो ही मुझसे पूछ रही है। अबे नालायक, तो तू उसके भरोसे आई थी ना, अपने यहाँ करके आता। तो जो तुम्हारा कल टेस्ट हुआ था उसकी कॉपी चेक होके आ गई है। और सुहेल तुम इधर आओ। तुम्हारा और कामिल का आंसर हुबहू सेम क्यों है? मैडम जी, क्वेश्चन भी तो सेम ही थे। क्या मतलब है? मतलब क्या, क्वेश्चन सेम थे तो आंसर भी तो सेम ही होंगे। हाथ आगे लाओ अपना। मैडम जी, मैं तो सोच रही आके सैड हो रही दिखाओ मुझसे। अरे यार, तेरी जेब में 500 का नोट पड़ा क्या? हाँ पड़ा। हाँ तो ला, मुझे दे दे, पढ़ा ही तो है। भाग्यशाली बच्चों, बहुत से लोग भाग्यशाली होते हैं। मैडम जी, भाग्यशाली का मतलब क्या होता? मैं पागल, जिसके भाग्य में साली होती है ना, उसे भाग्यशाली कहते हैं। अबे थर की, तुम्हें ये सब चीजें कौन सिखा रहा है? बचपन से ही टैलेंटेड हूँ मैं। अपने पापा को बुला के लेके आना कल को। सैड होगी क्या उनसे? से डरते हो? नहीं बेटा। तो पापा, आप बिजली से डरते हो? बिल्कुल नहीं। तो आप भूत से डरते हो? अरे नहीं बेटा। इसका मतलब आप मम्मी को छोड़ के किसी से नहीं डरते? अरे भैया जी, आपने कौन सी गोली लिख दी? पूरे मुरादाबाद में ढूंढते ढूंढते थक गई, मिली ही नहीं। अरे मैडम जी, ये तो मैं पेन चला के देख रही, आज चल लिया है ना। तुम एकदम उठा के ले गई। अरे तो बताते हो, तुम्हें पूरे मुरादाबाद में ढूंढ रही हूँ पागलों की तरह। पागल तो तुम हो ही, लड़कियों की घुटनों में अकल हो गए। लाओ यहाँ पूछो। ओ मैडम, गर्लफ्रेंड बन जाओ मेरी। अबे तुम्हारी शादी आज मेरी। अरे ये तो अच्छी बात है, मुझसे कर लो। देखिए लाल जोड़े में भी कितनी स्मार्ट लग रही हो। अभी मंडप पे बैठा मेरा हस्बैंड। देखिए कर लो, सुनो। बच्चों, क्लास में जो जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। तुम बेवकूफ हो? नहीं मैडम, आप अकेली खड़े हुई अच्छी नहीं लग रही थी। अबे नालायक, तुझे बेवकूफ कैसे लग रही हो? हाँ, प्रिंसिपल मैम भी कह रही थी वाली टीचर बेवकूफ है।